सबको साइंस स्किल चैनल पे फिर से स्वागत है। हम आज लाए हैं क्लोक का मिरर इमेज और वाटर इमेज, यानी कि सिर्फ मिरर इमेज और वाटर इमेज तो बहुत सारे का होता है। जैसे आप अगर वन लिखते हैं तो वन का भी मिरर इमेज होता है, टू लिखते हैं इसका भी मिरर इमेज होता है, लेकिन हम आज ऑनली लाए हैं सिर्फ क्लोक का मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। यानी कि क्लोक का मिरर इमेज में कैसे कितना बजेगा और वाटर इमेज में कितना बजेगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्लोक का पार्ट नंबर 4 है। इस तरह से पूरा क्लोक का हम लोग डिस्कस कर चुके होंगे, पहले भी मेरे 3 वीडियो आ चुकी है क्लोक का 1, 2, 3। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोक का नंबर 4 चैप्टर। पहले देखते हैं मिरर इमेज, कि आखिर मिरर इमेज में क्लोक का काम कैसे होता है। सवाल एकदम टूटी पॉइंट आते हैं कि अगर किसी घड़ी में 4 बज रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब में कितना बजेगा, या किसी घड़ी में 2:45 हो रहे हैं तो उसका वाटर इमेज में कितना बजेगा, उसका मिरर इमेज में कितना बजेगा। तो आइए आप सब सीखते हैं। अगर एक घड़ी है, अभी आप देख पा रहे हैं कि इस घड़ी में यहाँ 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है, 12 होता है, तो इस घड़ी में अभी कितना बज रहा है, 3 बज रहे हैं। और आप एक बात जान लीजिए कि मिरर इमेज का क्या चेंज होता है। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे खड़ा है और मेरे सामने मिरर है, तो हमेशा लेफ्ट एंड राइट बदलता है, यानी कि मिरर इमेज में सिर्फ लेफ्ट का आपको दिखाएगा राइट और राइट का दिखाएगा लेफ्ट। और अगर आप तालाब के किनारे खड़े हैं और एक मिरर में देख रहे होते हैं आप, तो क्या दिखता है, मुंडी जो ऊपर होता है वो मुंडी सिर्फ तालाब के नीचे जाता है, और जो मेरा पैर का तलवा नीचे है वो तालाब में ऊपर दिखाई देता है। इसका मतलब कि मिरर इमेज और वाटर इमेज में 2 बहुत बड़ा अंतर है। मिरर इमेज में आपका लेफ्ट राइट बदलता है और वाटर इमेज में आपका अप एंड डाउन बदलता है, यानी कि नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो आइए सीखते हैं। सपोज दैट एक क्लॉक है, इसमें अभी 3 बज रहा है फिलहाल, और तो इसका मिरर इमेज कितना बजेगा, आपको हम क्या बोलते हैं लेफ्ट का राइट बदलता है, लेकिन अप एंड डाउन तो वही रहेगा। तो यहाँ बज रहा है, अगर इस घड़ी में 3 बज रहा है तो इसका मिरर इमेज में 9 बज रहा होगा। आप खुद समझिए, 3 को हम लोग मिटाते हैं और बजाते हैं 1। अब 1 बज रहा है तो इसका मिरर इमेज ऐसे दिखेगा, इसका मतलब है कि इसमें बजेगा, अगर यहाँ पे 1 बजेगा तो यहाँ पे बजेगा 11। वही नहीं, अगर हम यहाँ पे 9 बजाते हैं रियल टाइम, इसको बोल रहे हैं रियल टाइम, यानी कि जो मेरा वास्तविक घड़ी है उसमें, और ये है मिरर, अगर सपोज दैट इसमें 9 बजेगा तो इसमें बजेगा 3। इट मीन्स हम क्या देख रहे हैं, इस टेबल को देखेंगे, आरटी का मतलब होता है रियल टाइम, और इस रियल टाइम में अगर किसी घड़ी में पूरे 1 बज रहा है तो उसका मिरर में कितना बजेगा, 11 बजेगा। 2, 10 अगर रियल टाइम में 2 बजेगा तो मिरर इमेज में 10 बजेगा, 3 बजेगा तो मिरर इमेज में 9 बजेगा। इस तरह से हम लोग डिस्कस करते हैं। और अगर सपोज दैट 12 बजा, पूरे 12 बज रहा होगा तो मिरर इमेज में भी सेम सेम दिखाई देगा, यानी कि अगर 12 बजता है तो इसका मिरर इमेज में भी 12 बजेगा। और दूसरा केस, अगर पूरे 6 बजेगा तो पूरे 6 कैसे बजता है, घड़ी में किसी भी घड़ी में पूरे 6 ऐसे ही बजता है तो उसका मिरर इमेज में भी पूरे 6 ऐसे ही बजेगा। यानी कि पूरे क्लॉक में हम लोग 2 ऐसे टाइमिंग है जिसका मिरर इमेज और रियल टाइम सेम होता है, वो 2 टाइमिंग यहाँ यहाँ है। आप देख पा रहे हैं 6 बजे और 12 बजे, उसका रियल टाइम और मिरर इमेज टाइम दोनों सेम होता है। अगर रियल टाइम में 6 बज रहा है तो मिरर इमेज में भी 6 बजेगा, और रियल टाइम में अगर 12 बज रहा है तो उसका मिरर इमेज में भी 12 बजेगा। अब हम लोग सवाल उठते हैं कि सर अगर मान लेते हैं 2:43 है किसी रियल टाइम का, रियल टाइम में 2:43 हो रहे हैं तो उसका मिरर इमेज में कितना बजेगा, तो इसका भी डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल आप अगर पूरे टेबल को देखिए तो आप क्या देख पा रहे हैं, 11, 12, 10, 2, 9, 3, 8, 6, 7, 5, 6, 12, 7, 5, 12, 8, 6, 12, इसका मतलब है कि दोनों का सम 12। फिर आप देख पा रहे होंगे कि सर 12 और 12 तो 24 हो जा रहा है, तो यही काम करेगा, यही इसी से कैलकुलेशन निकालेंगे कि रियल टाइम और मिरर इमेज टाइम का सम हमेशा 24 होता है। यानी कि यहां से देख पा रहे हैं हम लोग, आरटी प्लस मिरर इमेज टाइम हमेशा 24 घंटे के बराबर होता है दोनों का जोड़, यानी कि ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, इसको एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि मिरर वाले केस में रियल टाइम और मिरर इमेज टाइम का सम 24 बनता है। अगर ये पूरे पूरे का केस है, अगर फुल फुल का मतलब हुआ कि अगर पूरे 3 बज रहा है
पूरे 4 बज रहा है, पूरे 5 बज रहा है, तो कैसे करेंगे? अगर कुछ मिनट, जैसे अगर बोल रहे हैं हम 2:43 हुए हैं, 4:44 हुए हैं, तो उसका मिरर में कितना बजेगा? तो इसको हम लोग दूसरी भाषा में लिख सकते हैं 23:60। ये किसके लिए वैलिड रहेगा? जब मिनट दिया रहे, जब मिनट दिया रहे। इसका मतलब यह हुआ कि जब अगर मिनट दिया हुआ रहेगा तो 23:60 दोनों का सम होगा। अगर सपोज दैट अगर पूरे पूरे रहेगा, जैसे 4 बज रहे हैं तो 24 दोनों का सम होगा। तो अगर किसी घड़ी में इसमें चेक करते हैं, यहाँ तो 9:03 हो रहा है, 10:02 हो रहा है, तो अब हम चेक करते हैं कि अगर किसी रियल टाइम में ऊपर अगर 9 बज रहा है तो इसका मिरर इमेज में कितना बजेगा। तो हम क्या बताएं कि अगर रियल टाइम 9 है और मिरर इमेज दोनों का पूरा पूरी में पूरे 9 बज रहे हैं तो 24 में सेकंड आएंगे, तो 24 में से माइनस या 9 कितना बज रहा होगा? 9, 5, 14, 15 बज रहा होगा। तो किसी घड़ी में जो हम लोग घर में यूज करते हैं तो 15 तो बजता नहीं है, तो इसमें से 12 और माइनस करेंगे क्योंकि 12 पर एक रिवॉल्यूशन चक्कर होता है, तो अब बजेगा 3। 12 माइनस करेंगे तो 12 3 15। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एकदम रट चाहिए कि रियल टाइम और मिरर इमेज टाइम का सम अगर फुल फुल यानी कि पूरे पूरे बज रहा होगा तो 24 होता है, अगर मिनट दी हुई रहेगी तो 23:60 से घटा है। अब आगे आते हैं कुछ सवाल को देखते हैं। सवाल ऐसे हैं, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी घड़ी में 5 बज रहा है तो उसका मिरर इमेज कितना होगा? अगर दूसरा सवाल देखते हैं, अगर 4:44 हुए हैं तो उसका मिरर इमेज में कितना बजेगा? तीसरा क्वेश्चन, अगर 5:20 हुए हैं तो उसका मिरर इमेज कितना होगा? अगर चौथे सवाल की अगर बात करें तो 6:38 है तो उसका मिरर इमेज कितना होगा? तो यही दो फार्मूला है, यानी कि मिरर के लिए रियल टाइम यानी कि जो रियलिटी में जो घड़ी में बज रहा है, और मिरर का टाइम यानी कि जो दर्पण में देखने से मिलेगा उसका टाइमिंग 24 होता है पूरे पूरे में। अगर मिनट का टाइमिंग दिया रहेगा तो दोनों का सम 23:60 होगा, क्योंकि दोनों बातें सेम है, 23:60 का मतलब ही हुआ कि 24 बज रहा है। देखते हैं, अगर 5 बज रहा है तो हम कितना में से घटाएंगे, क्योंकि पूरे पूरे 5 बज रहा है तो सिंपल 24 में से घटाएंगे, तो 24 में से अगर 5 घटाएंगे तो बनेगा 19, और 19 हम लोग को घड़ी में बचता नहीं है तो 12 और माइनस करेंगे, मतलब इसका आंसर हो जाएगा पूरे 7। दूसरा क्वेश्चन है 4:44, तो यहाँ 44 कुछ ना कुछ तो मिनट का वैल्यू दिया है, कितना में से घटाया जाए? 23:60 में से घटाया जाए 4:44, तो 10 6 4 10 4 5 और 1 6 4 5 और 1 6 और यहाँ पे बचा 9 4 7 4 8 4 9 4 13 1 19:16, और 19 को हम लोग 19 तो बचता नहीं, यानी कि 12 के बाद देखेंगे तो 7:16 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5:20, तो 5:20 तो 20 मिनट का वैल्यू दिया हुआ है, तो कितना में से घटाया जाए? सिंपल 23:60 से घटाया जाए 5:20, यानी कि 40 9 8 5 13 1, यानी कि 18:40, तो इसका आंसर हो जाएगा कि 6:40। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6:38, यहाँ मिनट का वैल्यू दिया है तो सिंपली 23:60 में से घटा लेना है और जो आंसर आएगा। मेरा मतलब कि यही फार्मूला है मिरर इमेज के लिए, कि अगर रियल टाइम और मिरर इमेज टाइम का सम 24 होता है, बिल्कुल याद रखिए इस बात को, जब पूरा पूरी बचता है तब, अगर मिनट का वैल्यू दिया है तो 23:60। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल ऐसे आते हैं, थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं। सवाल पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर किसी घड़ी में, वास्तविक घड़ी में पूरे 4 बज रहे हैं तो उसके सामने एक मिरर नहीं, 2 मिरर लगाए हुए हैं, तो आपको बताना है कि 2 मिरर के बाद कितना बजेगा। तो सिंपल एक और इसके लिए याद कर लीजिए, एक केस होता है कि अगर इवन मिरर रहा, इवन मिरर, तो सेम काम करेंगे यानी कि सेम होगा। अगर ऑड होगा मिरर, मिरर की संख्या ऑड होगी, तो यहाँ अपोजिट केस काम करेगा। बहुत बढ़िया ये बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट है।
अब क्यों बोलते हैं इवन? तो अगर चार का है दो है, मिरर की संख्या कितनी है, नंबर एक मिरर नंबर टू मिरर, तो दो एक इवन होता है, तो इवन में सेम से यानी कि चार बज रहा है तो यह आंसर कर दिया जाएगा चार। अगर सपोज दैट दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, कि अगर पांच बज रहा है किसी घड़ी में तो और उसके सामने दो मिरर नहीं तीन मिरर लगे हुए हैं, तो तीन मिरर के बाद आपको कैसा दिखाई देगा, यानी कि जब तीन मिरर से उसको बुझाया जाए, पहला मिरर देखा जाए फिर इधर लगाएंगे तो उसका इमेज यहाँ और फिर यहाँ इसके सामने, तो यानी कि अगर तीन मिरर से बुझाया जाए तो कितना बजेगा, तो पांच है तो अगला मरतबा में सात बजेगा, फिर बजेगा पांच, फिर बजेगा सात। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि अपोजिट कर रहे हैं, जैसे पांच का अगर ऑड रहेगा तो अपोजिट का मतलब कि घटा के करना है, अगर पूरा पूरी रहेगा तो 24 में से डायरेक्ट घटा दीजिए, अगर मिनट रहेगा तो 23:60 में से बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा सात, यहाँ हो जाएगा चार, क्योंकि दो मिरर थे इसलिए सेम सेम इसका आंसर सेम करना है, और अगर अब तीन मिरर नंबर एक नंबर दो तीन, तो तीन क्या होती है ऑड होती है, तो इसलिए इसका अपोजिट करना है। तीसरा सवाल है नंबर तीन क्वेश्चन, कि अगर 5:20 हुए हैं और इसके सामने दो मिरर है तो आंसर क्या करेंगे, अगर 5:20 है तो ये दो मिरर है, तो हम अभी अभी बताएं कि आपको कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इवन मिरर है तो इवन मिरर में सेम होता है, राइट आंसर करेंगे 5:20। अगर यही सवाल ऐसे न दे करके ऐसे पूछना कि ठीक है भैया 5:20 है और उसके सामने पांच मिरर लगा मिरर इमेज लगाए हुए हैं, हालांकि ऐसा फिगर नहीं देगा, आपको लैंग्वेज बोलेगा कि यदि किसी वास्तविक घड़ी में 5:20 हो रहे हैं और उसके पांच दर्पणों से होकर गुजारा जाए तब कितना टाइम हो रहा होगा उस दर्पण में, तो एक दो तीन चार पांच मिरर से गुजारेंगे तब कितना टाइम होगा, तो हम लोग देखेंगे कि एक दो तीन चार पांच मिरर है, पांच मिरर एक ऑड मिरर होती है, ऑड मिरर में हम लोग अपोजिट कर रहे हैं, अपोजिट का मतलब कि घटाना होगा, और कितना में से कितना घटाएंगे, 24 में तो घटा नहीं सकते हैं क्योंकि पूरे पूरे बज नहीं रहा है, तो इसको हम लोग घटाते हैं 23:60 से 5:20 को, तो आंसर कितना आएगा, तो आंसर बनेगा 18:40, इसका मतलब ये हुआ कि 6:40, इसका आंसर करेंगे अपोजिट का 6:40 का। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में हम लोग देखने वाले हैं वाटर इमेज, क्लॉक का वाटर इमेज, यानी कि वाटर इमेज तो बहुत सारी चीजों का होता है, जैसे 1 का 2 का 3 का 4 का, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं वाटर इमेज किसका, तो वाटर इमेज क्लॉक का ही सिर्फ देखेंगे, क्लॉक में जैसे कि हम लोग पिछला मतलब पढ़े कि अगर 5 बज रहा है किसी घड़ी में तो उसका मिरर इमेज कितना होगा, तो यहाँ पे सवाल मिरर इमेज का नहीं है, अगर किसी घड़ी में 5 बज रहा होगा तो उसका वाटर इमेज कितना बजेगा, तो देखते हैं, एक आपके सामने घड़ी दिख रहा है, तो अगर ये घड़ी ऐसे है तो इसका अगर मिरर सॉरी वाटर इमेज में देखेंगे तो इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अप एंड डाउन में फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि अगर मिरर में आप अगर सामने खड़े हैं तो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट पोजिशन बताता है, और अगर आप वाटर यानी कि किसी तालाब के किनारे खड़े हैं तो आपका अप एंड डाउन चेंज होता है, तो यहाँ अप एंड डाउन चेंज होगा, मतलब कि ऊपर वाला का नीचे, लेकिन लेफ्ट राइट तो बदलता नहीं है, तो इससे सेम होगा। तो अब हम लोग यहाँ देखने वाले हैं, वहां पे हम लोग केस देखे थे कि रियल टाइम और मिरर इमेज टाइम का सम 24 होता है जब पूरे पूरे रहेगा तब, अगर मिनट वाला केस रहेगा तो 23:60 का, तो इसका भी फार्मूला है, बहुत बढ़िया फार्मूला है कि रियल टाइम और वाटर इमेज का जोड़ 18:30 होता है, और दूसरा फार्मूला रियल टाइम और दोनों वाटर के लिए ही है लेकिन एक सम होता है 18:90। मेरा मतलब कि ये वाला फार्मूला तब यूज करना है जब मिनट 30 से अधिक रहेगा, जैसे 31 रहेगा, 30 से अधिक का मतलब 30 इसमें शामिल नहीं होगा, 30 से अधिक का मतलब 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। तो दो फार्मूला है वाटर इमेज के लिए कि रियल टाइम और वाटर इमेज टाइम का सम 18:30 होता है, और रियल टाइम और वाटर इमेज टाइम का सम 18:90 होता है, लेकिन 90 वाला यूज तब करना है जब मिनट 30 से अधिक रहेगा। अब आते हैं सवाल पे, सवाल ऐसे आएगा कि अगर किसी घड़ी में 3:20 हो रहे हैं तो उसका वाटर इमेज कितना होगा, दूसरा सवाल है अगर पूरे 4 बज रहे हैं तो उसका वाटर इमेज कितना होगा, वाटर इमेज का मतलब नीचे कितना होगा। तीसरा क्वेश्चन आते हैं, अगर 4:45 हो रहा है तो उसका मिरर इमेज सॉरी वाटर इमेज कितना होगा। चौथा क्वेश्चन है, अगर
8:32 हो रहा है तो उसका वाटर मिसेज मांगा। तो दो बात याद रखिए, इसका इसका भी दो आंसर होता है, 18:30 होता है, 18:90 होता है, लेकिन 18:30 को वही यूज करना है जहां 30 रहे या 30 से कम रहे, 18:30, और 30 से जैसे ही आ रहे हैं तो 18:90 में से घटा देंगे। तो पहला आंसर कैसे करेंगे, पहला आंसर करने के लिए 3:20 है तो कितना में से घटाया जाए, 18:30 में से घटाते हैं। तो जैसे ही 18:30 में से 3:20 घटाते हैं तो यहाँ बजेगा 10, यहाँ बजेगा 15। इसका मतलब ये हुआ कि ये 15:10 रियलिटी में क्या है, तो 3:10 यानी कि जब अगर रियल टाइम में 3:20 हो रहा होगा तो उसका वाटर में कितना बनेगा, 3:10। नेक्स्ट है 4:00, पूरे 4:00 रहा है तो कितना भी बजे लेकिन 30 से तो कम ही है ना, 30 से अधिक वाले तो केस है नहीं, तो यहाँ मिनट हम देख रहे हैं 0:00 है, तो 18:30 में से 4:00 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 30 और यहाँ बनेगा 14। तो 14 तो बचता नहीं है, इट मीन्स 2:30 इसका आंसर। अगर किसी रियल टाइम में 4:00 रहा है तो उसका मिरर क्वार्टर में कितना बजेगा, 2:30। अगर 4:45 में है तो 18:30 में से नहीं घटाएंगे, 18:90 में से घटाएंगे। कारण क्या है, कारण यह है कि 30 से अधिक मिनट दिया हुआ है यहाँ पे, तो 18:90 में से 4:45 घटाएंगे तो यहाँ आंसर आएगा 8:10, 9:45 और 14:14। इसका मतलब आया कि अगर 18:90 से 4:45 घटाएंगे तो 14:45 आएगा, इट मीन्स कि इसको हम लिख सकते हैं 2:45 यानी किसी घड़ी में 4:45 होगा तो उसको वाटर में 2:45 होगा। अगर 8:32 है तो सिंपली कितना मिनट से घटाएंगे, 18:90 से घटाएंगे, क्योंकि मिनट का वैल्यू 30 से अबव है, इसको घटा दिया 8:32। तो इसका आंसर हुआ 8:32, 8:10 सुना आपने, 1, 3, 4, 5, 9 और यहाँ बना 10, यानी कि अगर 8:32 होगा तो इसका आंसर हो जाएगा 10:58। इसका दूसरा अपोजिट ये भी सवाल आ सकता है कि सवाल ऐसे आ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सवाल ऐसे आ सकता है कि अगर वाटर इमेज में ही बज रहा है 5 तो सिंपल रियल टाइम क्या हो रहा होगा, सिंपल क्योंकि दोनों का सम है तो तीसरा में से तो घटाएंगे, अगर इसका वैल्यू चाहिए तो इसको घटा देंगे, अगर इसका वैल्यू चाहिए तो इसको घटा देंगे। तो ये और ये सवाल में कोई अंतर नहीं पड़ा, यहाँ पे अगर पूछेगा कि अगर किसी घड़ी का वास्तविक समय बताइए, यदि उसका जल प्रतिबिंब में 5 होगा या 4:30 होगा, तो सिंपल दो बात याद रखिए, मिरर इमेज के लिए 24 बजता है पूरे पूरे के लिए, मिनट के लिए 23:60 और वाटर इमेज के लिए दोनों का समय 18:30 होता है और रियल टाइम और वाटर इमेज का 18:90 होता है। तो इस तरह से पूरे फ्लो को हम आज डिस्कस किए हैं, पूरे फ्लो में हम लोग मिरर इमेज और वाटर इमेज का ही सिर्फ वीडियो देखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे सवाल नहीं आ सकते क्या कि दो का मिरर क्या होगा, सवाल आते हैं ऐसे भी कि ए बी सी डी का मिरर कैसा बनेगा, लेकिन ये कुछ ये अलग चैप्टर में इसको हम लोग शामिल करेंगे। यहाँ सिर्फ देख रहे थे मिरर इमेज और वाटर इमेज का, सिर्फ क्लॉक वाले का डिस्कस कर रहे थे कि अगर क्लॉक में कितना बजेगा तो उसका मिरर में कितना बजेगा, वाटर में कितना बजेगा। तो थैंक्स, थैंक यू सो मच, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स।